और इस खुलासे के तहत टीवी 9 भारतवर्ष अब आपको इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल देगा कि किस तरीके से कैश क्वीन अर्पिता का पूरा हिसाब किताब अब और इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से अभी तक अर्पिता के दो और फ्लैट्स पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर आई है। दो फ्लैट्स पर छापेमारी की खबर, पहले फ्लैट से 29 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं अभी जो छापेमारी हुई है उसमें, और साथ ही 2,500 के नोटों की गड्डियां जिस तरीके से बरामद की गई है उसको गिनने के लिए भी मशीन्स को बुलाना पड़ा, साथ ही विदेशी करेंसी भी बरामद की जा चुकी है, 5 किलो सोना अभी तक मिल चुका है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि 10 बक्सों में भर कर यह सारा रुपया ले जाया गया है। आपको बता दें दूसरे फ्लैट पर छापेमारी इस बीच जारी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इससे पहले जो कार्रवाई हुई है इससे पहले भी 21 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है, यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। सुजाता मंडल जी, सीधा सवाल आपसे, 50 करोड़ कैश बरामद करने का क्या इंतजार किया जा रहा था या सरकार पहले से वाकिफ थी, क्योंकि अभी तक SSC स्कैम को लेकर कोई एक्शन तो लिया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं गया था अभी भी, क्या पार्थ चैटर्जी पर एक्शन लेने से पहले इंतजार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है? बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि राज्य सरकार अभी तक क्या कर रही थी मैम? देखिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये पूरा ईडी का हिफाजत में है और जिसके ऊपर ये छानबीन चल रहा है वो दोनों भी CGO कॉम्प्लेक्स में ईडी की हिफाजत में है। और आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर दोषी साबित होने के बाद उनको पार्टी की तरफ से कुछ भी छुड़ावत नहीं मिलेगा, जो पार्टी का उसके ऊपर ठीक लगेगा पार्टी वही विचार करेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूं, जानकारी पार्थ चैटर्जी जब सवालों के घेरे में आए उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं जरूरत क्या है इस्तीफा देने की, ममता बनर्जी सामने आती हैं कहती हैं मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस बीच किसी तरह के एक्शन की बात वो नहीं कहते। बड़े मंत्री हैं, इतने समय से आपके साथ जुड़े रहे हैं, बड़े बड़े विभाग संभाले हैं और ये कहती हैं कि जब बड़े विभाग संभालते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। देखिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं शायद खबर है शायद आप लोगों के पास, पार्थ चटर्जी जो गाड़ी यूज कर रही थी परिषदीय सचिव वाला मंत्री वाला गाड़ी वो गाड़ी वापस कर दिया। हाँ जी। और उनका जो दफ्तर है और शिल्प दफ्तर, ठीक है वो शिल्प दफ्तर ममता जी अपने हाथ में ले लिया और पूरा पूरी वही देखेगा चीफ मिनिस्टर ने तो, और बाकी तो अभी तक वो मतलब सुजाता मंडल जी ये तो अब हो रहा है ना, ये तो अब हो रहा है ना, जब ईडी एक्शन में आई छापेमारी में अकूत दौलत जो है वो सामने आ गई मीडिया के कैमरों के देश के लोगों के, ये तो अब हो रहा है ना, ये काम तो आप 2017 में कर सकते थे, ये काम आप 2017 में कर सकते थे जब रिजल्ट आया था शिक्षक भर्ती का। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।